नमस्कार दोस्तों, एक टॉपिक, एक बात ना मेरे दिल में बहुत दिनों से चल रही थी। मैं कोई भी ऑब्जर्वेशन देखती हूँ, लोग कैसे बात करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो बहुत दिनों तक उस चीज़ को सोचती रहती हूँ कि वो ऐसा क्यों सोचता होगा। मतलब इन शॉर्ट, मैं हर किसी के पर्सपेक्टिव से उस बात को देखना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि ऐसा क्यों है, कब से हो रहा है। और एक बात मैंने नोटिस की कि लोग बहुत जजमेंटल हो गए। ये नाक का मत पहनो, मुझे पसंद नहीं है, बिंदी ऐसे लगाओ, अच्छी लगती हुई है, ये आपका परसेप्शन है, राइट? और मैं यहाँ सबको खुश करने के लिए पैदा नहीं हुई, ये भी सच है, ये तरीका है बोलने का। पर ये एक दूसरे की बाउंड्रीज़ को ना हमको तय करना पड़ेगा कि आपका सच, चाहे जितना सच हो, वो किसी और को हर्ट भी कर सकता है। खैर, ये बात इसलिए आई कि कुछ दिन पहले अचानक से खबर आई कि अमित जी को कोविड पॉजिटिव हो गया, फिर उनके परिवार में भी, बाकी सदस्यों को भी। बहुत से मजाक मैंने देखे, या प्रो एंटी, आई लाइक हिम, आई डोंट लाइक हिम, मैं उनकी बड़ी फ़ैन थी, अब नहीं हूँ, पता नहीं मैं इतना एक्सप्रेस कर पाऊँ या नहीं, पर अपने तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि अमिताभ बच्चन की या अमित जी की सबसे बड़ी फ़ैन मैं हूँ। क्योंकि जहाँ मैं स्कूल पढ़ी हूँ और जिस छोटे शहर से हम आते हैं और जिस समय से हम आते हैं, उस समय सिनेमा देखना भी मतलब ऐसा था कि ये पिक्चर देखने जा रही है। और मैं थी अपनी मम्मा की वही एक बेटी जो उनके साथ थी, भाई तो मेरा हॉस्टल में पढ़ रहा था, मैं उनसे कहती थी मम्मी मैं सारे काम कर दूँगी, शाम को हाथ पैर धो के पूजा भी कर दूँगी, पढ़ाई भी कर लूँगी, सब चीज़ आपको कोई शिकायत नहीं आएगी, बस जिस दिन अमिताभ बच्चन की फ़िल्म रिलीज़ हो आप मुझे फ्राइडे फर्स्ट शो ले जाएगी, मुझे किसी और के मुँह से नहीं सुनना कि क्या सीखी और क्या थी। और कई फिल्में तो मैंने कितनी बार देखी, उतनी बार उसी इमोशन में बह जाना, उसी चीज़। और ये चीज़ें मैं ही नहीं, मेरी मेडिकल तक पहुंची हुई, स्कूल से मेडिकल तक पहुंची हुई ऐसी बहुत सारी लड़की थी। और हम लोग का एक गैंग था, जो हम लोगों ने मतलब बाकायदा 2-4 किलोमीटर खड़े होके, और वो ऐसा हो रहा है वैसा सारा खबर सुन के शहनशाह का टिकट खरीदा था। और जहाँ तक हम जैसे लोगों की, मैं या मेरी फ्रेंड्स की बात आती है, तो हम लोगों को थोड़ा सा क्रीम ऑफ सोसाइटी माना जाता है ना, कि ये थोड़ी स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, प्रोफेशनल्स है, प्रोफेशनल कॉलेजेस में पढ़ रही है। यहाँ तक कि जब मैं मेडिकल में थी और कांग्रेस के लिए या कोई कैंपेन करने के लिए अमित जी आ रहे थे, वायुदूत नाम का एक छोटा सा प्लेन था, तो मैंने, मेरी मम्मा भी साथ में थी क्योंकि उस डिवीज़न से वो संपर्क संबंध रखती है या वहीं की है, तो मैंने कहा वायुदूत में अमित जी आएंगे कैसे, वो तो इतने लंबे चौड़े हैं, वायुदूत का सब दरवाज़ा खुल, मैं वायुदूत एक मजाक था। फिर भी उन्होंने कहा और कोई तरीका नहीं है। जब प्लेन में बैठे बात हुई और अमित जी काफ़ी इंटरेस्ट से मेरी मदर से पूछ रहे थे उस इलाके के बारे में, ही इज़ अ इंक्विजिटिव मैन, ही इज़ अ इंटेलिजेंट मैन। और मेरी मदर तो बस ये सोच रही थी कि अगर ये कविता को, यानी मेरा नाम, घर का नाम कविता, पता चला तो ये सब कुछ छोड़ के दौड़ी चली आएगी। और उन्होंने कहा कि मेरी बेटी आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है। अमित जी ने कहा जी कौन सी स्टैंडर्ड में पढ़ती, तो मोम ने सोचा मतलब जी, उन्होंने कहा स्टैंडर्ड नहीं, वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ती। तो उन्होंने कहा अरे अब तक मेरी फ़ैन है। तो उसके बाद वो एमपी भी बने, उनकी शपथ विधि हुई उस समय सेंट्रल हॉल में, मेरी मदर भी थी। अब मेरे लिए वो हमेशा अमिताभ बच्चन को देखती थी क्योंकि मेरी वजह से उनको अमित जी की सारी फिल्में देखनी पड़ी, नो मैटर वॉट, मर्द से लेके वॉट एवर, जो भी मनमोहन देसाई से लेके जो भी फिल्म आती थी उनको देखनी थी। मतलब अभिमान फिल्म का तो ऐसा था कि मीत ना मिला इतना शुरू में आता था कि मेरा मिस हो जाता था, और उस गाने के चक्कर में वो फिल्म मैंने कितनी बार देखी। तो उन दिनों तो खैर फ़ोन नहीं थे जब हम छोटे थे, या जब उनका दिवाली में हाथ जल गया, मतलब उनकी सारी ज़िंदगी के साथ इतनी इमोशंस जुड़ी हुई थी। तो मैं ये कह रही हूँ कि जब आप किसी के फ़ैन होते हो ना, तो फ़ैन उसकी आर्ट की वजह से होते हो, फिर उससे जुड़ी हर बात आपको बड़ी इमोशनली ड्रिवन करती है।
तो ऑब्वियसली मैं जिस जहाँ से आ रही थी या जिस तरह का मेरी मदर जर्नलिस्ट थी या घर का बैकड्रॉप था या मैं किताबें बहुत पढ़ती थी या जिस तरह से हम थे तो हम उस तरह के नहीं थे कि इलॉजिकल चीज़ें सोचे, पर हाय मतलब बड़े हुए हैं ना उस चीज़ के साथ, उन भावनाओं के साथ, वो हमारा था। तो ऐसा नहीं था कि जब असल लाइफ में होगा तो अमिताभ बच्चन, मतलब ये बेतुकी बातें ना करते हुए उस इंसान के आर्ट की वजह से, उसकी प्रेजेंस की वजह से, उसने जहाँ पे दिल को सोल को छुआ है उस वजह से हम उनके बचपन से क्रेजी फैंस थे और अभी भी है। पर अब मैं देखती हूँ कि आपको आर्ट और आर्टिस्ट से ज़्यादा उसकी पर्सनल जिंदगी में, उसकी ज़ाती जिंदगी में, उसकी चॉइसेस में, उसके स्वभाव में, और पता नहीं किन किन चीज़ों में आपको एक परसेप्शन है कि ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा नहीं, ये बंदा ऐसा होना चाहिए। मुझे बताइए, आप इतने बेख्याली से, बेखबरी से कमेंट मार देते हो, या ये सोशल मीडिया ने तो खैर आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया वोकल होने का, तो समाज में अच्छा बदलाव लाते उसके लिए यूज़ करते यार। आप रिस्पेक्टेबल जिसका जो भी करियर है, यूं ही उठ के बक देना, बोल देना किसी के बारे में, मतलब अमित जी की इसलिए बात कर रही हूँ कि मैं कनेक्ट करती हूँ उनसे हर लेवल से, अपने एग्जिस्टेंस के हर लेवल से अमित जी से मेरा एक कनेक्शन है, बहुत भावनात्मक कनेक्शन है। आपका बचपन से बड़ा होना कितना भावनात्मक होता है आपके लिए, है ना, हमेशा नॉस्टैल्जिया में ले जाता है आपको, याद आता है आपको, सब्र भी देता है, आपके चेहरे पे स्माइल भी लाता है। बस मेरा वही रिश्ता है अमित जी से, और मैं कुछ ना भी करने को हो ना तो मैं कि बस उनकी फिल्म निकाल के बैठ जाऊँ। मैं अभी भी उसी समय में चली जाती हूँ जब मैं जितनी छोटी थी, 10, 11, 12, 13 साल की फिल्म आई थी, मैंने देखी थी, और उन्हीं से। तो वो कनेक्शन होता है जब आप बचपन से आप देखते आ रहे होते हैं और आप किसी को ये होते हैं। पर ये जो बाकी जनरेशन्स में मैं देख रही हूँ, तो भाई आप लोगों को बड़ा करने में हमारी कहाँ भूल चूक हो गई। एक जो फेथ और एक जो इज्जत का दर्जा है किसी आर्टिस्ट को, उसके आर्ट की वजह से उस दायरे को ख़त्म करते हुए, क्योंकि अब सब चीज़ें ट्रांसपेरेंट है, तो आप घुस घुस के जजमेंटल क्यों हो रहे हैं? क्या आप इतने परिपक्व, इतने बैलेंस्ड और इतने परफेक्ट है, ऐसा कोई हो सकता है इंसान? क्योंकि आपकी अच्छाई आपके लिए अच्छाई और दूसरे के लिए खामी हो सकती है। किसी व्यक्ति की परिस्थिति में, किसी व्यक्ति के सेट माइंड में, या किसी व्यक्ति के उस वक्त के विचारों में, जब आप वहाँ हो नहीं सकते हैं, या जब जब उसने जो जो फैसले लिए आप वहाँ क्यों लिए, हो नहीं सकते हैं, तो आप जज कैसे कर सकते हो, आप जजमेंटल कैसे हो सकते हो? और बहुत दुख होता है मुझे कि उसके बाद यंग यंग, मतलब जो एक दो जो भी जनरेशन है मेरे बाद, मैं 52 की हूँ तो दो तो होगी ही, 2 या 3, वो गिरता जा रहा है स्तर रिस्पेक्ट का, दायरा, एक दायरा रिस्पेक्ट और डिसेंसी का आपका हर इंसान के प्रति होना चाहिए। तो वो दायरे ही जब टूटने लग जाते हैं ना, वो इंटीमेसी में होता है, लव रिलेशंस में होता है, क्योंकि जहाँ इंटीमेसी है, मेरे गुरु जी कहते, फिर वो वहाँ प्यार नहीं हो पाता। प्यार होता है ना तो फिर कोई डिस्टेंस नहीं होता, यानी वो इंटीमेसी होती है आपकी, तो जब कोई डिस्टेंस नहीं होता ना तो फिर होते रहती है, वही जो सीधा है जब उल्टा खड़ा हो जाता है प्यार आपका, तो गुस्सा, ग्रीड, जेलसी, रिवेंज, नफरत, मतलब वो बहुत सारी भावनाओं से भर के फिर वो सीधा हो जाता है, फिर वो पूरे प्यार इसमें आता है। तो ओके फाइन, दैट साइकिल गोज ऑन, क्योंकि है हम ऐसे। लेकिन आर्ट आर्टिस्ट मेरे बचपन से ना, कोई भी लेखक, कोई भी बंदा जिसने बहुत ही पार एक्सीलेंस काम किया हो, या जो वो एक अनुभूति आपको होती कि वाह, आपकी ज़िंदगी में आपको वाह फीलिंग देने वाले बंदे के लिए आप इतने जजमेंटल हो के वो उसको इतना डाइसेक्ट करने लगते हैं, रिस्पेक्ट का दर्जा छोड़ के जो मुंह में आए, जहां मुंह में आए बकने लगते हैं। ठीक है पत्रकार, अरे राजनीति होती है ना, आर्ट में भी होती है, आर्टिस्ट में भी, मैं सब चीज़ें जानती हूँ। ठीक है, फेवरेटिज्म भी होता है या जो भी होता है, जैसा भी होता है, पर आपको आप इनकार कैसे कर सकते हैं? किसी की अचीवमेंट से, किसी के वहां पहुंचने से आप इनकार कैसे कर सकते? अरे उसने इसका सहारा लिया, अरे भाई सुन लीजिए, हम इस दुनिया में है ना इंटरडिपेंडेंट है, हर बंदा कोई
कोई बंदा इंडिपेंडेंट नहीं है अगर सही मायने को लिया जाए तो, बगैर किसी के साथ के, किसी का हाथ थामे या किसी के विचारों के साथ हुए या वो कड़ी जुड़े बिना, यहाँ कोई इंसान कुछ नहीं बन सकता, ना कोई चीज़ सिद्ध कर सकता है। तो दिमाग से ये ख्याल छोड़ दीजिए कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ और मैं सेल्फ वो हूँ, ये ऐसा कुछ नहीं होता। आपने परिवार का सहारा नहीं लिया होगा कहीं, और किसी ने अप्रिशिएट किया होगा वहाँ से चैन, क्योंकि इंटरडिपेंडेंसी ये वर्ल्ड का नियम है, हम बंधे ही हुए ऐसे हैं। सारे तत्व देख लीजिए आप, हर चीज़। और मैं थोड़ा गंभीरता से बोलने जा रही हूँ इस बारे में, मतलब आज थोड़ा वो लाइट नहीं हो पा रही हूँ, क्योंकि इस बारे में ना मैं 15-20 दिन से सोच रही हूँ कि लोग कैसे लाइटली कमेंट कर देते हैं यार। मानो आपका बेटा बेटी दामाद हो गए, आप उसकी अचीवमेंट्स को एक मिनट में यहाँ ला के ज़ीरो रख देते हैं, क्योंकि आपके पास सोशल मीडिया में बात करने की पावर है। कोई भी हो, मुझे लगता है जब कला क्षेत्र में है लोग, या लेखन क्षेत्र में है, या पत्रकार क्षेत्र में, अगर आप हवा के अगेंस्ट नहीं रहेंगे, अगर आपके विचारकों का विजन कहीं आगे नहीं रहेगा, आप लोगों से अलग थलग नहीं रहेंगे, तो हम वो नहीं रहेंगे जहां हम होते हैं, है ना। अगर पूरी टाइम में रियलिटी से कनेक्टेड रहूं और अभी टाइम में रहूं, तो मैं वो सारी चीज़ें कैसे इमेजिन कर सकती हूं, कैसे फील कर सकती हूं, कैसे लिख सकती हूं। उस करने के लिए खंगालना पड़ता है ना आपको, हमको कभी कभी ज़मीन से थोड़ा पैर ऊपर करके चलना पड़ता है। हाँ, एक ज़मीन, दूसरा पैर का अंगूठा ज़मीन पे रखिए ताकि आप ग्राउंडेड रहे। पर आप मुझे बताइए, इमेजिनेशन करना, फैंटेसाइज करना, चीज़ों को ऐसी सोचना जो आपने देखी नहीं है, ये सब करने के लिए कहीं ना कहीं आप एब्स्ट्रैक्ट होते हो, अलग होते हो दुनिया से। तो सबको सारे कानून लागू नहीं होते, वरना वो आर्टिस्ट नहीं होते। कोई भी ले लीजिए आप, साहिर लुधियानवी ले लीजिए, अमृता प्रीतम ले लीजिए, मतलब ये सबके साथ मैं बड़ी ऐसे हुई हूँ, तो मुझे बहुत ही ख़राब लगा जिस लाइटली लोग बात करते हैं, जिस बेइज्जती से लोग कमेंट लिख देते हैं, जिस तरह के भोंडे मजाक किए जा रहे इस उम्र में जाकर कि रेखा जी का घर कंटेंट किया गया, यहाँ पे वो हुआ, मतलब ये भाई कौन सा सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका, मुझे समझा दीजिए। वो करे तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, वो अपना मजाक उड़ाए, मतलब किस सिचुएशन में क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, ये 2-3 बातें भी आप सीख लोगे ना, तो थोड़ा सा संजीदगी और थोड़ी सी मोरालिटी, एक एथिकल वैल्यू रहेगी, एक एस्थेटिक सेंस रहेगा, आपकी बातों को सीरियसली लिया जाएगा। हाँ, मजाक करना अच्छी बात है, वो मजाक आप अपने आप पे कर लीजिए, तब मानूँ ना मैं। अगर किसी ने आप पर ये मजाक किया, तो आप दुनिया भर के ईगो सामने ले आएंगे, झेल नहीं पाएंगे। तो हमको भी ऐसा नहीं है कि बहुत घर में मार पीट के सिखाया गया कि आर्टिस्ट की इज्जत करो, फला की इज्जत करो, ढिमका, मतलब आई एम सॉरी कि मेरी मदर तो अपना करियर बना रही थी, येस, अगेंस्ट सोसाइटी के नॉर्म्स के अगेंस्ट जाकर अपना करियर बना रही थी, 18-19 घंटे काम करती थी, या कभी कभी सोती भी नहीं थी, वो एक लेडी थी। ये शहर उस समय 55 साल पीछे था, छोटा सा गांव था, अपने शहर में स्कूटर चलाने वाली पहली महिला थी। तो अगर आपके सोसाइटी नॉर्म्स को लोग मानने लगे और उसी में रहने लगे, तो प्रोग्रेस कैसी होगी लाइफ में ये लोगों के बारे में। तो कुछ लोग अलग होते हैं, जज मत कीजिए, मैं सच बता रही हूँ, आपके जज करने से जो है सामने वाला उसका कुछ नहीं जाएगा, आप ही गिर जाओगे कहीं। तो क्या आप गिरना चाहते हो, क्या आप लोगों को उनका ड्यू क्रेडिट एज एन आर्टिस्ट देना नहीं चाहते, क्यों भाई? ये मैंने और एक किसी पत्रकार कहने वाली महिला के एक भोंडा सा कमेंट मैंने पढ़ा कि हमारी टिकटों से बना है ये महा मेगा स्टार, ये क्या तरीका है भाई। उन्होंने आपका गला पकड़ के आपको बोला था कि टिकट खरीदो, ये किस तरह की भाषा है इस्तेमाल करने के लिए। अगर आपके पर्सनल एजेंडाज नहीं पूरे होते हैं,
तो मतलब आर्टिस्ट खराब हो गया, वो अब स्टार ही नहीं बचा, या वो इस फिल्म युग का महानायक ही नहीं बना। भाई मैं तो इंस्पायर होती हूँ हर बार, हर डिफीट, हर तकलीफ, फिजिकल चाहे जो हो, उस जो वो बंदा बाहर निकलता है, जिस मतलब 78, आई कांट इमेजिन ही स्टिल वर्क सो मच। तो वो आपके परसेप्शन पे है, आप क्या लेना चाहते हो। अब मुझसे भी कहा गया कि अरे घर में कोई नहीं है और अब तुम तो रह नहीं पाती हो, ये आपका परसेप्शन है। मुझे हर सिचुएशन को ना अपने एडवांटेज में यूज़ करना था। मैं सोचती बहुत जल्दी जल्दी शादी हुई, पढ़ाई कर लिया, जिम्मेदारी जिम्मेदारी, हाँ मैं मुक्त हो गई, तो मैं वो कॉलेज वाली लाइफ, मैं वो ज़िंदगी जीना चाहती हूँ जो मैं जी नहीं पाई जिम्मेदारियों की वजह से, तो मस्त रहती हूँ। और ज्ञान मुझे खींचता है हर तरह का, हर तरह का, हर तरह की क्रिएटिविटी खींचती है अपनी तरफ। तो इतना कुछ देखने को है, पढ़ने को है, सोचने को है, आई एम एंजॉइंग दैट टाइम। तो वो परसेप्शन है, परसेप्शन मैटर्स। और मेरी आप सबसे हम्बली एक मिलती है कि किसी को भी, किसी की भी जिंदगी भर की तपस्या को, उसके सिद्ध होने को ऐसे एक सेकंड में सोशल मीडिया पे कमेंट डाल के ना डिस्क्रेडिट करके आप उस बंदे के अस्तित्व को, उस बंदे की ऊंचाई को कम नहीं कर रहे हैं। आप अपने माँ बाप के दिए संस्कारों का के बजाय भी आप जैसे बड़े हुए हो और आप में खुद में आप जो एक व्यक्तित्व बना रहे हो उसका छोटापन दर्शाते हैं। समझ में आई बात? दोबारा से रिवाइंड फॉरवर्ड करके देखें, समझ में आएगी। उनको गिरा के उनकी अचीवमेंट्स नीचे नहीं होगी, आप खुद को गिरा रहे हो कहीं ना कहीं, आप अपनी औकात जाहिर कर रहे हो कि आप कितने छोटे व्यक्ति हो, कितने छोटी सोच के इंसान हो। तो सोशल मीडिया, मॉडर्निज्म, दुनिया कहाँ जा रही है, हमारे सुशांत ने चांद पे घर लिया था, प्लॉट लिया था, पर आप लोगों की सोच कहाँ जा रही है। आपके हाथ में एक ओपन कलम आ गई है, एक ओपन प्लेटफॉर्म आ गया है, कृपया करके प्यार बांटने में, दोस्ती, प्यारी चीज़ें सिखाने में अपनी विद्या का, अपनी इस पावर का इस्तेमाल कीजिए। देखिए राम राज्य आएगा। सरकार की, पॉलिटिशियंस की, दुनिया की और भगवान की जिम्मेदारी नहीं होती, जिम्मेदारी समाज की होती है। और उस समाज का आप एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि आप लिख सकते हैं, आप बोल सकते हैं। तो अच्छा बोलिए, अच्छा लिखिए और सकारात्मक टीका कीजिए। पर यूं ही बोल देना, मतलब ये जो मैंने पढ़ा और किस समय बोलना, तो नज़ाकत को समझिए। हमने बहुत इज्जत की है, हम इज्जत करते हैं हर उस व्यक्ति की जिसने बहुत ही आउट ऑफ वे जाके माइंड ब्लोइंग काम किया है, मतलब उस तरह से। तो वो एक रिस्पेक्ट का दायरा रखते हैं हर व्यक्ति के लिए ही। मैं रिस्पेक्ट रखती हूँ वैसे, अपने सोसाइटी में काम करने वाले वॉचमैन से भी जी करके बात करती हूँ। और माफ़ कीजिए, मेरी माँ ने इतनी माइन्यूटली जाके मुझे सिखाए, वो इतना टाइम नहीं था उनके पास, पर एक एक समझ। आप पढ़े लिखे हैं, आपने वो व्यक्तित्व अपना कैसे गढ़ा है, आपने भी तो कोई बात होनी चाहिए ना जनाब। यूं ही किसी महानायक को आप नहीं बोलेंगे तो वो महानायक नहीं होंगे, ऐसा नहीं होता। दूर ही रहिए। हाँ, एज अ सिटीजन अगर वो गलत काम करे या, तो उसके लिए भी अलग अलग दायरे हैं। आप किसी को पसंद करें ना करें आपके दिल की बात है, पर इज्जत के दायरे में बात कीजिए, इतना ही कहना चाहती थी। जिस भी व्यक्ति के बारे में आप बोलते हैं उसकी विशिष्ट परिस्थिति या उसकी मनस्थिति या उसके आसपास क्या हो रहा है, क्यों फैसले ले रहा है, क्या बोल रहा है, वो कैसा उभर के आ रहा है, ये वही जानता है, वही अनुभव कर सकता है, वही महसूस कर सकता है। तो एम्पैथी, हर किसी को अपने जैसा ही मानिए और अपनापन ज़्यादा जाहिर कीजिए। सपोर्ट करे ना करे आपके मन की बात है, इज्जत के दायरे में बात कीजिए, इतना ही कहना चाहती थी। बहुत बारिश, अंधेरा हो गया, देखिए
ज़्यादा प्रीची नहीं बनना चाहती थी, मेरे दिल को जो बात लग जाती है ना, मैं चाहती हूँ कि मैं उसे शेयर करूँ, बोलूँ। आप सकारात्मक टीका कर सकते हैं मेरे कहने की, पर मैंने किसी को कोई बुरा सुझाव दिया ही नहीं, ना दूंगी कभी। हैव अ नाइस वीकेंड, अपना ख्याल रखिए, इज्जत से, अपनी भी इज्जत की।